हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 9th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 8.1 और क्वेश्चन है हमारा 10वां। तो 10वां क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब ये जो आकृति दी गई है एक ऐसी, एक हमारा समांतर चतुर्भुज है। इन्होंने कहा है ए पी और सी क्यू जो है, ए पी और सी क्यू जो है वो शीर्षों ए और सी से विकर्ण पर क्रमशः लंब है। मतलब ये जो है हमारा विकर्ण जो बी डी बना हुआ है इस पर ये हमारे लंब जो हैं वो खींचे गए हैं। फिर ये इन्हें कह रहे हैं कि दर्शाइए कि, तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा इन्होंने कहा है त्रिभुज ए पी बी जो है वो हमारा सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू डी के, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा है ए पी जो है वो हमारा बराबर है किसके, सी क्यू के। मतलब हमें बताना है ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, फिर ए पी जो है सी क्यू के बराबर है। दो चीज़ें जो है वो हमें बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 10वां है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जिस त्रिभुज की बात की जा रही है, जिनको हमें सर्वांगसम करना है, उनकी ही हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए सॉरी सी क्यू डी में, ठीक है। मतलब ए पी बी और सी क्यू डी इन दोनों त्रिभुजों में हम बात करेंगे। तो भाई हमें तीन चीज़ें जो है वो सर्वांगसम सिद्ध करना है ना। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तीन चीज़ों को हमें बराबर करना पड़ता है। अगर तीन चीज़ें हमारी बराबर हो जाती हैं तो समझ लो हमारा सर्वांगसम जो है वो सिद्ध हो गया। अगर तीन चीज़ें जो हैं वो हमारी बराबर नहीं हो पाई तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीन चीज़ें कैसे ना कैसे हमको ढूंढना पड़ेगा, वरना हमारा सर्वांगसम जो है सिद्ध नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम मार देंगे भाई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तीन चीज़ें ढूंढनी है। तो हम जैसे कि हमारा लंब है तो मतलब हमारा इधर ये 90 डिग्री है और ये भी हमारा कितने का है, 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ तो हमको मिल गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए पी बी जो है वो हमारा बराबर है कोण सी क्यू बी के। और ये दोनों हमारे कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों चीज़ जो हैं वो हमारे बराबर हैं। और ये चीज़ हमको दी भी गई है, चाहे तो आप लिख दीजिए दिया है, चाहे लिख दीजिए 90 डिग्री, दोनों ही बातें सही हैं। अब दूसरी चीज़ हमें देखनी है, दूसरी चीज़ जो है वो हमें देखनी है। अब हमें क्या करना है भाई, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, मतलब आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो हमारी कैसी होंगी, बराबर होंगी। समांतर चतुर्भुज में यही तो होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों विकर्ण हमारे बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो भाई और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं, समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होंगी ये हमारी। तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे ये इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में हमारी ये भुजा, इस वाले त्रिभुज में हमारी ये भुजा, जो कि हमारे आमने सामने की भुजा है, ये दोनों भुजाएं हमारी कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं ए बी जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। अब हमारी ये बात जो है इन्होंने बता ही दिया था कि समांतर चतुर्भुज है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है, ठीक है। इस तरीके से दो चीज़ जो हमारी हो गई। अब हमें तीसरी चीज़ ढूंढनी है, तो भाई हमारी तीसरी चीज़ क्या होगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, हमारी तीसरी चीज़ क्या होने वाली है। तो तीसरी चीज़ हमने एंगल भी बराबर कर दिया, ये भुजा भी बराबर कर दी। अब हमको एक बात पता है कि भाई हमारी जो समांतर भुजाएँ होती हैं, जब इसको कोई तीसरी भुजा काटती है तो हमारे ये जो कॉर्नर के कोण होते हैं, कॉर्नर के कोण हमारे कैसे बनते हैं, चाहे हमारा सीधा जेड बने चाहे हमारा उल्टा जेड बने, मतलब ये हमारा जब जेड बनता है तो ये कॉर्नर के कोण बराबर हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, फिलहाल इसमें सुन लीजिए। और इस अगर हम इधर से ये जेड बनाते हैं, ठीक है, मैं फिर से इसको रफ़ कर देती हूँ, इस तरीके से हमारी थी ये जो बना हुआ है, ये हमारा कैसा जेड है, उल्टा जेड बना, मतलब ये कोण और ये कोण भी हमारे बराबर हो जाएंगे। पिछली आकृति में ये कोण बराबर, तो मतलब चाहे लेटा जेड बने, चाहे उल्टा जेड बने, चाहे सीधा जेड बने, चाहे जैसा जेड बने, उनके जो कॉर्नर के कोण होंगे वो हमारे कैसे होंगे, बराबर होंगे। ऐसे कोणों को कहा जाता है एकांतर कोण। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा यहाँ पर ये उल्टा जेड बन रहा है, तो मतलब ये कोण और
ये कोण जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हमारे कैसे कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए। देखिए एकांतर कोण तभी बनेगा जब हमारी भुजाएं जो है वो समांतर होंगी और कोई तीसरी भुजा इसे काट रही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण सी डी बी जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा कोण ए बी और डी के। और ये हमारे कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एकांतर कोण। ठीक है, तीन चीज़ें हमें चाहिए थी, तीन चीज़ें हमें मिल गई है। ये एंगल है तो ए लिख दो, ये हमारा भुजा है तो एस लिख दो, ये हमारा एंगल है ए लिख दो। ठीक है, इस तरीके से हम ए भी लिख सकते हैं, चाहे तो हमारी परपेंडिकुलर भी है, आरएचएस वाली प्रमेय भी हमारी लग जाएगी। आरएचएस प्रमेय जो होती है उसमें हमारा क्या होना, एक 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, राइट, ठीक है, राइट एंगल होना चाहिए। आपको बता देते हैं, आरएचएस मतलब एक हमारा राइट एंगल मतलब 90 अंश का कोण होना चाहिए। ये हमारी साइड होगी, ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हमारी तीन चीज़ें जो है वो होनी चाहिए हमारे यहाँ पे, तीन चीज़ें आर एच एस भी कर सकते हैं, ए एस ए भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए एस ए सर्वांग समता से। ठीक है, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है त्रिभुज ए पी बी जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू डी के। ये हमें सिद्ध करना था, तो पहला वाला पार्ट जो है वो हमने क्या कर दिया है, प्रूव्ड कर दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है वो हमने प्रूव कर दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहे हैं, इसमें हमें ए पी को सी क्यू के बराबर सिद्ध करना है। तो ए पी जो है वो हमारा इस त्रिभुज में आ रहा है, सी क्यू जो है इस त्रिभुज में आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, सी पी सी टी से हम ये चीज़ बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा, चूँकि ये जो हमने अभी सिद्ध किया है, चूँकि क्या सिद्ध किया हमने, त्रिभुज ए पी बी जो है सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज सी क्यू डी के। ठीक है, ये त्रिभुज जो है मतलब ये दोनों त्रिभुज जो है वह हमारे सर्वांग सम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए जो हमारा ए पी है वो हमारा सी क्यू के बराबर हो जाएगा। ये हमारा बराबर कैसे होगा, तो ये जो है वो हमारा सी पी सी टी से मतलब त्रिभुजों के सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस रूल से ये जो है वो हमने भी बराबर कर दिया था, मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो आपने हेडलाइन में ज़रूर देख लिया होगा, तो ऐप जो है लॉन्च हो चुका है फ्री में, अपने नोट्स वगैरह क्लासेस वगैरह इंपॉर्टेंट क्लासेस जो यूट्यूब पे भी नहीं होंगी वो क्लासेस जो हमारी ऐप पे कराई जाएंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, साइंस हमारी साइंस वाले चैनल से पढ़ लीजिएगा, ब्लॉग चैनल को देखना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास में इस बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।